साहस सरोकार। बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा, हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे युवा, युवाओं ने सड़क पर लगाया जाम। प्रदर्शन कर रहे युवाओं और पुलिस के बीच हुई झड़प, मौके पर पुलिस ने बलपूर्वक खुलवाया जाम। युवाओं ने अग्निपथ को बताया करियर से खिलवाड़। तो एक बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से निकल के सामने आ रही है, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ जो युवा है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो इस योजना को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और सेना में भर्ती होने वाले युवाओं ने इसका विरोध किया है। जो भी छात्र सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान सड़कों पर सभी छात्र उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, अग्निपथ योजना के खिलाफ जो युवा है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है जो युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, अग्निपथ के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं शिवसेना के कुछ भर्ती देखने वाले, तैयारी कर रहे थे, वो उनमें आक्रोश है कि ये जो 4 साल की भर्ती जो आदेश की गई है उसको लेकर आक्रोश फैला हुआ है जी। और युवाओं ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पुलिस के बीच में हड़कंप हुई है। विशाल, आखिर युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये योजना जो युवा है उनमें देशभक्ति जगाने का काम कर रही है, तो आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं द्वारा? युवाओं को देखते हुए जैसे कि देखा जा रहा है कि जब 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद में आगे उनके जो समय बचेगा तो 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आक्रोश है वो बच्चों में। लेकिन विशाल, सरकार द्वारा ये भी कहा जा रहा है, जब ये योजना लाई गई तो ये भी कहा गया कि 4 साल बाद भी उनके लिए नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, उन्हें जो भी सेना की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ भी उन्हें 4 साल बाद बखूबी मिलता रहेगा। तो आखिर क्यों इसका विरोध प्रदर्शन युवाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है? युवाओं का कहना है कि ये जो 4 साल बाद जो भर्ती का वो कराया जाएगा या कोई पढ़ाई है के कार्य करनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश है कि सरकार का कोई पता नहीं कि दोबारा हमको भर्ती लेगी या नहीं। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल। तो एक बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से निकल के सामने आ रही थी, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन युवाओं में देखने को मिला, क्योंकि युवाओं के मन में कहीं ना कहीं अब ये प्रश्न उठता हुआ नजर आ रहा है कि 4 साल के सेना में काम करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाए। 4 साल बाद वो आखिर करेंगे क्या, ये वही प्रश्न है जिसको लेकर कल हम बातचीत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं युवाओं में ये प्रश्न अभी भी बरकरार है, युवाओं में ये संशय चल रहा है कि 4 साल बाद आखिर उनका भविष्य क्या होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर थापा, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदेश के कई जनपदों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ आखिर वजह निकल के सामने आ रही है जो युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये योजना युवाओं में देशभक्ति को जगाने का काम करेगी, युवाओं में वो जज्बा पैदा करने का काम करेगी, जिससे युवा देशभक्ति के प्रति और जागरूक हो सके और वो समझ सके कि आखिर किस तरह से जो सेना के जवान है वो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर 24/7 तैनात रहते हैं। इसी को समझने के लिए देश के युवाओं में एक सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसकी जानकारी जो सेना के तीनों प्रमुख हैं उनके द्वारा दी गई थी, लेकिन अब इस
कार्यक्रम को लेकर भी युवाओं में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, युवाओं में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं के मन में अभी भी ये संशय बना हुआ है कि अगर वो 4 साल तक सेना में अपनी सेवा देते हैं और जब उन्हें सेवा से मुक्त किया जाता है तो आखिर 4 साल बाद उनका भविष्य क्या होगा। ये वही प्रश्न है जो कल प्राइम टीवी उठा रहा था, जो कल प्राइम टीवी पूछ रहा था। आज उसी प्रश्न के खिलाफ प्रदेश के कई जनपदों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, युवा सड़क पर उतर चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बुलंदशहर से भी सामने आई, जहां प्रदर्शन के दौरान जो छात्र है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो हाथों में तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एक बार फिर सागर थापा हमारे साथ इस खबर पर, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सागर थापा, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदेश के कई जनपदों से खबरें आ रही हैं कि युवा उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ वजह इसकी निकल के आ रही है जो युवाओं में इस योजना को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है? अग्निपथ अग्निवीर के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और मैं यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और जो छात्र आ रहे हैं उन्हें अंदर जाने से रोका गया है। आपको बता दूँ केवल मीडिया की और जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनकी एंट्री तो नहीं है, केवल मीडिया की और जो अंदर के स्टाफ है लखनऊ विश्वविद्यालय के केवल उन्हें ही एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही एक दूसरा आंदोलन आज हो रहा है लखनऊ में, वो है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, अपने कार्यालय से लेकर गवर्नर हाउस तक राजभवन तक पैदल मार्च वो कर रही है, अपना विरोध दर्ज करवा रही है। और कहीं ना कहीं आपको अगर मैं बता दूं तो कुल मिला के देखा जाए तो इस अग्निपथ का, इस अग्निवीर का सभी विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, युवाओं में खासा उत्साह भी एक तरफ देखने को मिला है, तो वही युवा इस बात से काफी वंचित है कि उन्हें 4 साल के बाद नौकरी किस तरह की मिलेगी अगर वो 4 साल के बाद सेना से रिटायर हो जाएंगे। नमस्कार जी, इसको लेकर लगातार लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो युवाओं ने इस दौरान क्या कुछ मांग उठाई है इस योजना को लेकर सरकार से? हाँ देखिए, फिलहाल अगर आपको बता दूं देश के तो सबसे ज्यादा जो विरोध प्रदर्शन है वो बिहार में हो रहा है, आरा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। यहाँ पर जो छात्र हैं 17 से लेकर 21 साल तक के वो काफी विरोध दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि उनका एक सपना होता है फौज में भर्ती होने का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का ये भी मलाल रहेगा कि केवल 4 साल के रही सरकार में अपनी सेवा क्यों दे रहे हैं और सेना में अपनी सेवा क्यों दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बात करूं लखनऊ की, तो यहाँ पर सुबह से ही विश्वविद्यालय प्रांगण के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। एक बार मैं अपने कैमरा में से कहूंगा कि अगर पुलिस का विजुअल दिखा पाए तो एक बार दिखाइए जरा किस तरह से यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है। और सुबह से छात्र जो है बाहर है, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, उन्हें रोका गया है बाहर, और उन्हें अगर जाने भी दिया जा रहा है तो केवल एक जरूरी काम से। मैं गेट नंबर 2 के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर पुलिस बल है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो। अग्निपथ को और अग्निवीर को लेकर पुलिस तरह पूरी तरह से, शासन और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। नमस्कार। लेकिन सागर, अगर देखा जाए तो सेना ने जब इस योजना की शुरुआत की थी तो ये साफ तौर पर कहा गया था कि 4 साल बाद भी कुछ युवा सेना में अपनी सेवा दे सकेंगे, जबकि जो अभ्यर्थी जो 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाते हैं उनके भी नौकरी के लिए एक अच्छे अवसर खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि जो भी सैनिकों को सेवाएं दी जाती है रिटायरमेंट के बाद वो भी उन्हें दी जाएंगी, तो आखिर क्यों इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है? जी मुस्कान, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सेनाओं में जो उनके सुविधाएं मिलती हैं वो सब सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बता दूं कि लोगों को भविष्य की काफी चिंता है, 17 से 21 साल की उम्र तक वो सेवा डिमांड के चलिए 4 साल की सेवा देंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने भविष्य का डर भी सता रहा है। पूरी सुविधाएं मिलेंगी और लगभग आपको बता दूं चलूं कि 46,000 के करीबन भर्तियां होंगी, 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा और 25% की जो नौकरियां होंगी वो पूरी तरह से कंटिन्यू की जाएंगी। तो मान के चलिए 75 लोगों को हटाने के बाद जो 25% बचते हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल दिखाई दे रहा है, और 75% का भी अगर कहूँ तो भविष्य उनका अंधेरे में नहीं, क्योंकि बात है सेना की और बहुत ही कम लोगों को सेवा देने का मौका मिलता है। जी मुस्तान, यानी कि ये कहा जाए कि जो युवाओं में आक्रोश है वो इसलिए व्याप्त है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि सरकार द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं 4 साल के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है जिससे वो बेरोजगारी को लेकर सरकार को नहीं घेर सके।
आजिम हुसैन आपको भी पता है कि देश में किस तरह से इस वक्त हालात हैं, सरकार दावे करती है नौकरियों की लेकिन कहीं ना कहीं युवा जो है सड़क पर उतर कर आते हैं। पूरे बिहार में भी हमने देखा, मुजफ्फरनगर से लेकर आरा तक वहाँ पे ट्रेनें रोकी गई। अब यहाँ विश्वविद्यालय की बात करूँ तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन तो दर्ज करवाना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि उन्हें विरोध प्रदर्शन से पूरी तरह से रोका गया है। और मैंने आपको भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर हालात है, लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी तरह से पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि आक्रोश को अगर देखा जाए तो वो सीमित दायरे तक ही रहता है क्योंकि अगर आपको सरकार के साथ चलना है तो सरकार की नीतियों को उनके साथ लेकर चलना होगा। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पीएम मोदी द्वारा ये जो सेना में एक नई चलन चालू किया गया, चलन स्टार्ट किया गया है, सागर इस वक्त आप विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप छात्रों से बातचीत करें कि आखिर सरकार द्वारा इस योजना को लेकर उनकी क्या कुछ मांगे और वो सरकार से क्या चाह रहे हैं इस योजना के बाद। जी मुस्कान, देखिए मेरे सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब कई छात्रों से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम विद्यालय तो आए लेकिन हमें एंट्री नहीं किया जा रहा है। मैं आपको दूसरी बात बता दूं, अगर सीधे पहलू में बताया जाए तो हर छात्र नेतागिरी या राजनीति नहीं करना चाहता। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे तत्व हैं उनकी वजह से उन्हें इस हिस्सा बनना पड़ता है भीड़ का। तो काफी परेशान भी दिखे लोग छात्र, हमने बात भी की, हमारे साथ एक छात्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए, भैया आप यहीं पढ़ते हैं? आप यहीं पढ़ते हैं? हाँ यहीं पढ़ते हैं। क्या क्या दिक्कत है आ रही है? अरे हम लोग खुद ही नहीं बता रहा, अभी कल हमको लैब जानी है तो अभी आए हुए हैं तो पूरे गेट बंद हुए हैं, अब लैब पे सारे इम्पोर्टेंट काम हमारा छूट रहा है। आपको बताया नहीं गया था कि किसी तरह का? नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, नहीं मैं आता ही नहीं आज, तो अब आ गया हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ सारे गेट बंद है, मुझे अब इम्पोर्टेंट काम भी हमारे लैब में तो वो छूट रहे हैं सारे, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। सेना में जाने की आप लोग को बात पता चली है, 17-21 साल के लोग जा रहे हैं सेना में, 4 साल के लिए भर्ती है और इस बारे में कुछ कहेंगे? इस बारे में ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। जी मुस्कान, देखा आपने कि यहाँ पर एक छात्र थे, हमने उनसे बात करी, वो सुबह से काफी देर से विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद थे, बाहर मौजूद थे लेकिन उन्हें जाने दिया जा रहा है। जी मुस्कान, सागर इस वक्त आपके अगल बगल अगर देखा जाए तो पुलिस कर्मी भी मौजूद नजर आ रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत करिए और उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि इस वक्त वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है। जी जैसा आपको बता दूं मुस्कान, पुलिस बल के जो सिपाही हैं वो लगे हुए हैं, पुलिस बल के सिपाही हैं, देखिए आप देख सकती हैं बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पर गेट पे पूरी चौकसी लगा दी गई है, केवल अगर जो जा रहा है वो अंदर, वो इंटरनली स्टाफ है, छात्रों को रोक दिया जा रहा है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं छात्र जो है बाइक लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, तो जो पुलिस के जो निचले कर्मचारी हैं वो शायद मीडिया से रूबरू ना हो पाए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आदेश नहीं दिया गया है कि आप मीडिया से रूबरू हो पाए। हालांकि हम इस वक्त इस कड़ी में पूरी तरह से बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी मामला शुरुआत हुई है, तकरीबन 11 बजे समय रखा गया था, अब 11 बजे से ये समय बढ़ता चला जाएगा। देखिए छात्र धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और हालांकि जो छात्र नेता थे सर्वेश यादव, उन्हें विश्वविद्यालय चौकी पर बैठा लिया गया है ताकि विरोध प्रदर्शन को एक उग्र रूप ना दिया जाए, एक बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में छात्र यहां पर एकत्रित ना हो पाए। ये मतलब यानी सागर अगर देखा जाए तो जो छात्र इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है और जो अंदर जाना चाहते हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे, तो आखिर इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। जी मुस्कान, सीधी सी बात है कि एक छात्र का जीवन बड़ा अमूल्य होता है और जो घंटे होते हैं पढ़ाई लिखाई के वो काफी अमूल्य होते हैं। अगर मैं बात करूं अगर लॉजिकल वे में तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो भी छात्र बाहर हैं तो अगर देखा जाए तो उनके जो समय है, जो पढ़ाई का अवधि है, जो समय है वो पूरी तरह से जाया जा रहा है केवल एकमात्र छोटे से विरोध प्रदर्शन के लिए। अभी विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या मकसद है, क्या मोटिव है, ये वो छात्र ही जान सकते हैं जिन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि हम विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन जो है असफल होता नजर आ रहा है और इसे पुलिस बल ने पूरी तरह से असफल कर दिया है क्योंकि भारी सुरक्षा में यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रांगण के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है, तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। नमस्कार, धन्यवाद सागर थापा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है ताकि विरोध प्रदर्शन ना देखने को मिले।
क्योंकि प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं इस योजना को लेकर जो हमारे संवाददाता है, उन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर से हमारे साथ साझा की कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के बाहर का एरिया पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की आग वहां पर ना लगनी पाए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आज कांग्रेस का राजभवन घेराव। राजभवन का घेराव करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करते हुए नजर आएगी। राजभवन का घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे साफ तौर पर यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में बीते 3 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनसे हेराल्ड केस को लेकर ईडी लगातार सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही है, जिससे राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। वह अब इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी राजभवन को घेरने की तैयारी की जा रही है। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आज कांग्रेस घेराव करेगी राजभवन का। राजभवन का घेराव करने की तैयारी में पूरी तरह से कांग्रेस जुटी हुई है। वही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर यह कहा जाए कि अब कांग्रेस के बाहर का एरिया पूरी तरह से छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करने की तैयारी में जुटी हुई है। और इसी प्रदर्शन को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। तो ये खबर हम आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो आज राजभवन का घेराव करेंगे और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में लखनऊ में भी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। किस तरह कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का झंडा भी कई कार्यकर्ताओं के हाथ में नजर आ रहा है, जिसके साथ ही महिला कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट में साफ तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, राहुल गांधी से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है और उसी पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस में भी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ माहौल इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पूछताछ की जा चुकी है। उसी क्रम में कल उन्हें फिर पेश होना है। उसी क्रम में आज बताएं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे। आप यहां देख सकती हैं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में अपने पार्टी का झंडा लेकर, साथ ही साथ वो केंद्र सरकार के जो तमाम जिम्मेदार उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकती हैं यहाँ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनकी तरफ से ईडी और सरकार को ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहाँ इनके हाथों में पोस्टर, जहाँ आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि संख्या जो है वो ठीक ठाक है। साथ ही साथ आप अगर बात करें बाहर की, तो
कांग्रेस पार्टी के ठीक बाहर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी आज पार्टी मुख्यालय से और राजभवन तक आज पैदल मार्च कर रही थी, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, मगर आपको बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से लेकर और राजभवन तक पूरी पुलिस प्रशासन लगाई गई है। उसी क्रम में हम कुछ लोगों से बात करेंगे मुस्कान और उनसे जानेंगे आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर पुलिस लगा दी गई है, क्या कहेंगे? हम लोग राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं, घेराव करेंगे, भी निकल रहे हैं, हमारा समय निश्चित है, हम लोग निकलेंगे, घेराव करने का काम करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को कल फिर से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? राहुल गांधी जब ईडी बुलाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, कोई राहुल गांधी का वो तो डर पर है नहीं ईडी से, राहुल एक साफ सुथरे आदमी है और अपना पेपर है, उसमें कोई एकदम पारदर्शिता है, कोई उसमें वो नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं, जब बुलाते हैं जाते हैं। और कार्यकारी का कार्यकर्ता जाएगा, राजभवन आज जरूर जाएगा, राजभवन घेराव जरूर करेगा। आप देख सकती हैं धीरे धीरे कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और ये सीधे राजभवन जाएंगे और वहां जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में आपको बताएं कि कल राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के जो मुख्यालय है वहां पेश होना है, उसी क्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पेश होंगे और सभी सवालों के बेबाकी के साथ जवाब देंगे। उसी क्रम में आप देख सकती हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ और नेता है। सर, राहुल गांधी को कल जो प्रवर्तन निदेशालय है वहां पेश होना है और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक अहंकारी सरकार है जो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज है, उस आवाज को दबाना चाहती है। उसे पता नहीं राहुल गांधी जी गांधीवादी हैं और गांधी ने इस देश के अंदर हमेशा गोडसे का फन कुचला है और फिर इस सदी में भी एक गांधी नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है उस अहंकार को कुचलने का काम करेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अच्छा, आपके जो वरिष्ठ नेता है नसरुद्दीन सिद्दीकी, साथ ही साथ आपके विधायक दल की नेता आराधना बिस्सा मोना को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इस पे सर आप क्या कहेंगे? ये डरी हुई सरकार है, ये हमारे नेताओं से, हमारे कार्यकर्ताओं से डरती है और हाउस अरेस्ट करके कांग्रेस की ताकत को, उसके कार्यकर्ताओं की ताकत को नहीं रोक पाओगे। हमारे जितने नेताओं को गिरफ्तार करोगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता उतनी ही ताकत से आपका विरोध करेगा, आपके अहंकारी सरकार का विरोध करेगा, आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अच्छा, यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं, आगे का क्या रणनीति है, क्या हम आज हमारी पार्टी ने घोषित किया, हम राजभवन जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो मुस्कान, आपने साफ तौर पे सुना कि जो कांग्रेसी नेता हैं और कार्यकर्ता, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज हम राजभवन जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी मुस्कान, लेकिन विपांचो अगर देखा जाए तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, तो अगर पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो ये सारे कार्यकर्ता क्या कुछ करेंगे? आप कार्यकर्ता से इस सवाल का जवाब जरूर ले विपांचो। जी मुस्कान, आपको बताया कि जब बीते दिनों प्रदर्शन हुए थे उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर और इको गार्डन भेज दिया गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के प्रदर्शन में क्या कहा जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि सर, अगर आज आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आगे की लड़ाई क्या होगी, क्योंकि बाहर तो भारी पुलिस बल लगाई है। करते रहे सरकार, गिरफ्तार करती रहे, यह सरकार सभी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश के आम नागरिक की लड़ाई रहा है, जिस तरह से ईडी आदि जो सरकारी संस्थाएं और किसी पर भी नागरिक को परेशान करने सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है और उसी तरह राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को परेशान कर रहा है। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश के आम नागरिकों के प्रति भी सरकारी संस्थाओं, ईडी आदि का दुरुपयोग न हो, केवल हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ता कभी गिरफ्तारी से नहीं डरा है। जब अंग्रेजों को मैंने भगाया है तो इन दुष्टों को भगाने में हमको क्या लगेगा, ये चोरों को। और एक हमारा नारा बहुत पुराना है कि कभी लड़े थे गोरों से और आज लड़ेंगे इन चोरों से। कांग्रेस पार्टी हमेशा, कार्यकर्ता हमेशा तैयार है, गिरफ्तारी आज, गिरफ्तारी कल होगा, एक बंद करेंगे। अभी तो यहाँ, अब आप एक और रहस्य बता दे, अभी तो यहाँ इतनी भीड़ है, तमाम भीड़ हमारे तमाम तरफ, चारों तरफ है, अभी इतने लोगों को पकड़ेंगे तब तक दूसरी भीड़ आ जाएगी, कब तक पकड़ते रहोगे? ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, हम संघर्ष करते रहेंगे। और राहुल गांधी हमारे नेता हैं और 24 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी का
आपने सुना कि सारे जो तमाम यहाँ नेता कार्यकर्ता उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं वो शहर के अंदर में अलग अलग जगहों पे हैं, जितनी गिरफ्तारियां होंगी वो अलग अलग जगहों से निकलेंगे। जी मुस्कान विभाषी, इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में बैनर्स और तख्तियां भी नजर आ रही है, तो क्या कुछ लिखा है उन तख्तियों पर? जी मुस्कान, आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा है, साथ ही साथ जो उनके राहुल गांधी हैं उनकी तरफ से जो उनको प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश होने के लिए कल कहा गया है, उसी क्रम में सरकार के खिलाफ तमाम ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उनका साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना है। निशाना साधते हुए साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी निर्दोष हैं, वो अपने सवालों के जवाब जो है बड़े बेबाकी से, जो भी दौर के पूछताछ हुए हमें बड़े बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया है। उसी क्रम में आज उनकी तरफ से जब प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि कल फिर उन्हें पेश होना है, उसी क्रम में आप देख सकती हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का कमेटी का जो मुख्यालय है उस पर आप देख सकती हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अगर बताएं तो यहाँ उन्हें राजभवन जाना था और यहाँ से कार्यकर्ता निकल कर राजभवन जाएंगे और राजभवन से लेकर अब जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है हर एक जगह पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो कार्यकर्ता अभी सुबह राजभवन पहुंचे थे उन्हें पुलिस प्रशासन गिरफ्त में लेकर और इको गार्डन की तरफ ले गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या रुख रखती है। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें कुछ अहम बातों के बारे में भी बताएंगे। जी मुस्कान, यानी कि ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद है, तो वहीं कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अपने जिद पर अड़े हैं कि आज वो राजभवन का घेराव करके ही मानेंगे, फिर चाहे उनकी गिरफ्तारी ही क्यों ना हो जाए। जी मुस्कान, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से उनका साफ तौर पे उनके राजभवन पे जाकर वहाँ वो इस बात को कहेंगे। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे राजभवन पहुँचने लगे हैं और आप देख सकते हैं कि पार्टी मुख्यालय में जो प्रदेश का मुख्यालय है वहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। धीरे धीरे कार्यकर्ता अब राजभवन की तरफ कूच करेंगे। वहीं अगर बताएं तो राजभवन से लेकर अब पार्टी मुख्यालय तक पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे प्रदर्शन करते हैं और क्या इसमें आगे होता है। जय मुस्कान, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो गिरफ्तारी से डरेंगे नहीं और राजभवन का घेराव करेंगे। वही ईडी की पूछताछ के बाद से ही लगातार बीते 3 दिनों से कई जगहों पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के विरोध में अब आज लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो राजभवन का घेराव करेंगे, फिर चाहे उनकी गिरफ्तारी ही क्यों ना हो जाए वो, लेकिन राजभवन का घेराव करके ही मानेंगे। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हेराल्ड केस में लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, जिसके विरोध में आज लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और साथ ही साथ राजभवन का घेराव करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार डरने वाली नहीं है, लेकिन राहुल गांधी भी झुकेंगे नहीं और वो लगातार अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वो इस मामले में जीत उनकी निश्चित है। इसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा के विरोधी नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो चाहे वो पुरुष कार्यकर्ता हो, सभी इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर। इस वक्त भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो राजभवन का घेराव नहीं कर सके। लेकिन कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि वो राजभवन का घेराव किए बिना वापस नहीं आएंगे, फिर चाहे उनकी गिरफ्तारी ही क्यों ना हो जाए। वहीं आपको बताते चले कि राजभवन में आज सुबह भी कई कार्यकर्ता घेराव करने पहुंच रहे थे, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
साथ ही उनको धरना स्थल पर भी भेजा जा चुका है। वही इस मामले पर कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो झुकेंगे नहीं, वो डटकर इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी को इस लड़ाई में निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। बुलंदशहर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश नासिर को लगी गोली। नासिर पर बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जनपदों में है केस। पुलिस ने इनामी से एक तमंचा, बाइक और कारतूस भी किया बरामद। साथ ही रिहान मुठभेड़ के दौरान मौके का फायदा उठाकर हुआ फरार। नगर कोतवाली के मामन रोड का मामला। खबर बुलंदशहर से निकल के सामने आ रही है, जहां एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश नासिर को गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल हो गया है, जिसे पुलिस द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रायबरेली में सड़क हादसे में होमगार्ड की हुई मौत। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी थी टक्कर। हादसे में साथी सिपाही की हालत गंभीर। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के मलिक मऊ की पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर रायबरेली से निकल के सामने आ रही है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी थी टक्कर। वही इस टक्कर में होमगार्ड की मौत हो गई। वही हादसे में साथी सिपाही की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के मलिक मऊ गांव का मामला। बदायूं में पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव। युवक का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गुजर गांव का पूरा मामला। खबर बदायूं से निकल के सामने आ रही है, जहां पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं युवक का शव मिलने से अब गांव में हड़कंप भी मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।